सतपुली में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अपने विधानसभा क्षेत्र चौपाटखाल में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। महाराज ने संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में 19,70,000 रुपए की लागत से ONGC CSR मद से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, THD इंडिया लिमिटेड CSR मद से 20,71,989 की लागत से अल्ट्रासाउंड मशीन और विधायक निधि से 5 लाख रुपए की धनराशि से किए गए कार्यों का लोकार्पण किया। घनसाली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर प्राथमिक विद्यालय लाटा में बीजेपी टिहरी जिला उपाध्यक्ष और घनसाली विधानसभा सीट से बीजेपी से दावेदारी कर रहे सोहनलाल खंडेवाल ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी के विधानसभा प्रभारी जयेंद्र सेमवाल और घनसाली बाल गंगा मंडल अध्यक्ष राम कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। ऋषिकेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर नगर निगम की मेयर अनिता ममगाई ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के शुभ अवसर पर नगर पालिका में पंडित जी को अपनी आज हमें बड़े हर्ष के साथ में ये बात कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि उन पात्र जनता तक सीधे पहुँचनी चाहिए। अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है। वो चाहते थे कि जो व्यक्ति अंतिम छोर में बैठा हुआ है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, तो उसको भी वो सारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। विकासखंड चक्राता के अंतर्गत बाल विकास चक्राता के द्वारा पोषण अभियान के तहत शनिवार दोपहर चक्राता बाजार में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान महालक्ष्मी किट भी गर्भवती महिलाओं को दी गई और सही पोषण और मातृ वंदना योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पोषण अभियान के तहत आर्य समाज मंदिर सभागार में कार्यक्रम किया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने फल, सब्जी और जौनसारी व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए। इस मौके पर सुपरवाइजर आशा बड़ोनी और कमला रतुड़ी, ANM ऋतु रावत व चक्राता ब्लॉक की समस्त आशा कार्यकर्ती मौजूद रही। हमारे जो जौनसारी व्यंजन जो हमने बना रखे हैं, ये पूरे ही सब लोगों ने आज अपने अपने वहाँ से बना के रखे हैं, तो ये हमारा जो है ये इसको बोलते हैं हम रोटी, मतलब ये मीठी रोटी है। इसमें ये डाल रखा है भंगजीरा, तिल, अखरोट और ये मूंगफली, ये सब चीज़ें पौष्टिक है, तो इसे हम गर्भवती महिला को भी दे सकते हैं, धात्री को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी और अन्य सभी लोग भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ मिलावट नहीं है। ये बच्चों को एक सितंबर से लेकर और 30 सितंबर तक हमारे यहाँ जो है ये पोषण अभियान चलाया जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है जन जागरूकता अभियान चलाया और ये जन जन तक, मतलब जो है ये आंदोलन को जो है जन जन तक, जन जन तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधानों के द्वारा, अन्य सम्मेलनों के द्वारा जो है इसे पहुँचाया जा रहा है, जिससे कि मतलब गर्भ में 15 बच्चा उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ, गर्भ में 15 बच्चे को अगर उसका विकास सही ढंग से होगा, माँ का भी और बच्चे का सही पोषण मिलेगा, तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और माँ भी स्वस्थ होगी। चमोली के विकासखंड जोशीमठ में सीमांत गांव तोलमा में लगा मोबाइल टावर मात्र शोपीस बनकर रह गया है। कुछ महीने पहले बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने जियो टावर का उद्घाटन किया था, जिससे लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी जियो का टावर काम नहीं कर पा रहा, जिससे लोगों को संचार सुविधाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे विगत कई दिनों से जियो का नेटवर्क गायब है। नेटवर्क कभी कभी पूरा आता है, लेकिन उसमें ना बात हो पाती है, ना नेटवर्क चलता है, और हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में कोई जोशीमठ, गोपेश्वर, श्रीनगर, देहरादून इत्यादि जगहों पे हैं, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, तो डर लगा रहता है कि बच्चे कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो बातचीत नहीं हो पा रही है। बातें तो माँ बचन को बातें न करे थे, वो कल वो उन्होंने आप कौन की कहना, तुम जल्दी जल्दी वो कह दिया ये टावर है, वो कह दिया देख जल्दी आओ, तो हम ये टावर सही कह दिया, और हम बुझे कि वो शौक दूर हमारा लोहर दूर जाया कल वह हम बात करना कल वह कह क्यों कभी बात करना, तो उन्होंने ये टावर वहाँ ठीक हुए, वो ठीक हुए
धन्यवाद। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सही ढंग से गरीबों तक पहुंचाने और जरूरतमंदों का इलाज ईमानदारी और सही ढंग से करने पर काशीपुर में स्थित संजीवनी हॉस्पिटल प्रदेश में टॉप 10 की लिस्ट में रखा गया है। जिले में नंबर 1 पर आने पर अस्पताल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं संजीवनी हॉस्पिटल के साथ ही कुछ निजी हॉस्पिटलों ने ईमानदारी से योजना के तहत जरूरतमंदों का इलाज कर अनोखी मिसाल कायम की है। पिछले 3 वर्ष हो गए अटल आयुष्मान योजना को उत्तराखंड में लागू किए, तो इसी उपलक्ष्य में देहरादून में परसों एक सेमिनार हुआ था, जिसमें हमें वहां जाके पता चला कि हमारा हॉस्पिटल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो काशीपुर में है वो 10 टॉप 10 में उत्तराखंड में टॉप 10 पे और उधम सिंह नगर में नंबर 1 पर है काम के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए। और पीछे भी हमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अवार्ड मिला है, अभी हमें एक कांस्य पदक मिला था, और भविष्य में हम इसको और अच्छा काम करके हम सिल्वर और गोल्ड तक भी हमारा हॉस्पिटल जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एशियन एकेडमी चौकोड़ी बूथ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे के नारे भी लगाए। कार्यालय के द्वारा सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाने का सबको आदेश था। इस अवसर पर, इस उपलक्ष्य पर बेरीनाग मंडल की जो बूथ चौकोड़ी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने शिरकत करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को धूमधाम से मनाया। घनसाली पुल से बिलंगना में छलांग लगाने वाली महिला का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। 2 दिन से SDRF और घनसाली पुलिस का सर्च अभियान जारी है, लेकिन अभी तक महिला का कोई पता नहीं लग पाया। महिला घनसाली के नैलचामी क्षेत्र की बताई जा रही है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज से शुरू हो गया है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से वैज्ञानिक जुड़ेंगे। चीन से पहुंचे वैज्ञानिक डॉक्टर शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना ने चीन सहित कई देशों का बुरा हाल किया है। विश्व के कई देश इसकी जद में आए हैं, लेकिन जिस तरह से भारत ने आयुर्वेद के सहारे वैश्विक महामारी कोरोना को हराया है, उसके लिए हरिद्वार गुरुकुल पहुंचे हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी टू इनवाइट मी ऑन दिस ओकेजन, एंड टुडे आई जस्ट एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अदर कलीग्स how we can develop the products for US market for ANDA, so that in future India will improve for the generic product development. जिसमें मलेशिया, चाइना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA और दूसरे देशों के जो भी रिसोर्स पर्सन्स हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उन सबको लाभान्वित कर रहे हैं। इसी अवसर पर विभाग द्वारा एक अच्छी पहल की गई है कि जो भी शिक्षक उत्कृष्ट कार्य करते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के पारितोषिक और अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, और हमारे विभाग के ऐसे काफ़ी शिक्षक हैं जिनको सम्मानित किया गया है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो हमारा रोल है एज ए फार्मासिस्ट उसके बारे में आज जो बातचीत हुई है मेरी, और कई प्रकार के यहाँ पे दुनिया भर से वैज्ञानिक अतिथिगण, अध्यापक सभी उपस्थित हैं, विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और इस प्रकार के कार्यक्रम में जो हमें मुझे बुलाया गया है विशेष तौर पे, इसके लिए मैं आभारी हूँ। फार्मासिस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है फॉर मेडिकल लाइन के लिए, तो मैं बिल्कुल लाइफ लाइन मानता हूँ, और ये बिल्कुल फ्रंट लाइन वर्कर थे एट द टाइम ऑफ कोरोना काल, तो इट्स एक रीढ़ की हड्डी है पूरे भारतवर्ष के लिए। ही प्रशंसा और बहुत ही मेरी तरफ से बहुत ही बहुत बहुत बधाइयाँ हैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी को, जो इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कालसी ब्लॉक के अंतर्गत जोशी गांव के ग्रामीण पिछले लंबे समय से बिजली के पोल बदलवाने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि अब बिजली के पोल काफी झुक चुके हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कल रात को हुए भूस्खलन से अभी बिजली के खंभों के गिरने का भय ग्रामवासियों को सता रहा है। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विद्युत विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो सभी ग्रामीण इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक करेंगे।
क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल, देखिए देवभूमि का दंगल, 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।